अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेटा प्रोसेसिंग आर ऑपरेशंस ऑन डेटा। सीरीज ऑफ एक्शंस आर ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन डेटा टू गेट रिक्वायर्ड आउटपुट आर रिजल्ट्स। यानी डिफरेंट ऑपरेशंस जो होते हैं वो डेटा पे परफॉर्म किए जाते हैं और फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड आउटपुट होती है, रिजल्ट होता है या जो इंफॉर्मेशन होती है वो जनरेट की जाती है। सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रोसेस डेटा। सॉफ्टवेयर कन्वर्ट द डेटा इंटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जैसे हम नॉर्मली अगर एक मार्कशीट की बात करें तो एक्सेल में, एमएस एक्सेल में जो है वो मार्कशीट तैयार की जाती है और वहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज अवेलेबल होते हैं, उनको अप्लाई किया जाता है और फिर लाइक टोटल मार्क्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगाते हैं। अगर हमने देखना है कि बहुत सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर मैक्सिमम का फार्मूला लगा सकते हैं। अगर हमें टोटल सब्जेक्ट्स को काउंट करना है तो वहाँ पे हम काउंट का फार्मूला लगा सकते हैं। सो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। अब डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डेटा प्रोसेसिंग में अप्लाई की जाती हैं, उनको अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड करें तो वो बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं: डेटा कैप्चरिंग, डेटा मैनिपुलेशन एंड मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। अब हम वन बाई वन देखते हैं इनको। सबसे पहले अगर हम डेटा कैप्चरिंग की बात करें, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डेटा इन सम फॉर्म। क्या होगा कि डेटा को आप किसी न किसी तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे। मैनुअल डेटा कैप्चर इसमें आ जाता है, जो आप कीबोर्ड के थ्रू डेटा टाइप करते हो वो इसमें आ सकता है, या बार कोड रीडर के थ्रू जो होता है वो हम डेटा को स्कैन कर लेते हैं। डेटा इज़ कैप्चर्ड बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। यानी डेटा को जब भी प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमारे पास डेटा पहले कैप्चर्ड फॉर्म में मौजूद होना चाहिए, हमारे पास डेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद होना चाहिए, उसके बाद हम डेटा पे प्रोसेसिंग को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आता है, डेटा में भी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या आ सकता है, फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, चेक्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट लेबल हो सकते हैं, ब्रोशर्स वगैरह हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग डेटा डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर। इसके अलावा हम डायरेक्टली भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करवा सकते हैं, जैसे माउस और कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा को इंटर करवा सकते हैं। प्रोवाइड अ क्विक एंड एफिशिएंट वे टू इनपुट डेटा, जिसकी वजह से जो होता है हमारा टाइम सेव होता है, जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे बारकोड रीडर्स वगैरह होते हैं इसमें आ जाते हैं, तो वो फ़ौरन से जो है जस्ट हम प्रोडक्ट उनके सामने लाते हैं और वो फ़ौरन से उसका डेटा जो होता है वो स्कैन करके कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह डिफरेंट डेटा कैप्चरिंग डिवाइस हैं जिनके थ्रू जो है वो हम डेटा को इनपुट करवाते हैं कंप्यूटर में और फिर फर्दर उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई की जाती है। एक्टिविटीज़ इन डेटा प्रोसेसिंग हमारे पास क्या क्या हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आ जाता है क्लासिफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग। डेटा मैनिपुलेशन में है कि प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटा। हम जो डेटा कलेक्ट कर चुके हैं, जो डेटा कैप्चर कर चुके हैं डिफरेंट सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस के थ्रू या डायरेक्टली हमने डेटा को इनपुट करवाया, अब उस पर हम डिफरेंट मैनिपुलेशंस अप्लाई करेंगे। जैसे है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इंटू क्लासेस आर ग्रुप्स। लाइक इसकी एग्जाम्पल क्या है कि डेटा ऑफ कॉलेज कैन बी इन टू ग्रुप्स, डेटा ऑफ स्टूडेंट एंड डेटा ऑफ टीचर्स। यानी बेसिकली हमारे पास जो डेटा है हम उसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, हम उसको कैटेगरीज में या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह एक बॉक्स में हमने डिफरेंट कलर की कलर पेंसिल्स डाली और उसमें से फिर हम रेड को, ग्रीन को, ब्लू को अलग-अलग कर लेते हैं, तो वो होगी उनकी क्लासिफिकेशन। सेकेंड इसका पॉइंट आता है कैलकुलेशन। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑन डेटा। जैसे कि हमारे पास मार्कशीट में डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, हम उसमें से टोटल मार्क्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी स्टूडेंट के, या उसका ग्रेड निकालना चाहते हैं, तो वो क्या होगी उसकी कैलकुलेशन। थर्ड पॉइंट आता है सॉर्टिंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस। यानी हम लाइक हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है तो हम उसमें से नेम ऑफ स्टूडेंट कैन बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्टेन्ड मार्क्स। हम मार्क्स जिसके मैक्सिमम है उसको टॉप पे रखना चाहते हैं, जिसके सबसे लीस्ट मार्क्स हैं उसको हम बिल्कुल बॉटम पे रखना चाहते हैं, या फिर हम अल्फ़ाबेटिकली जो है स्टूडेंट के नेम के हिसाब से उसको जो है वो अरेंज कर लेते हैं। तो सॉर्टिंग बेसिकली जो है वो अल्फ़ाबेटिक भी हो सकती है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकती है। देन हमारे पास आता है समराइजिंग। समराइजिंग बेसिकली क्या होता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है ना, हम उसको जो है वो एक मोर कॉन्साइज फॉर्म में, एक मोर जो है वो लेसर फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज़ नोन एज समराइजिंग। जिस तरह इंग्लिश में हम पोएम्स की समरी या चैप्टर्स की समरी करते हैं तो उसमें हम बेसिकली उसका जो वॉल्यूम होता है उसको रिड्यूस कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो डेटा ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कैन बी समराइज टू शो नंबर ऑफ पास्ट एंड फेल्ड स्टूडेंट्स। अब लाइक
हमारे पास क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हमने जो एक उसका समरी निकालनी है वो ये निकालनी है लाइक 50 स्टूडेंट पास हैं 50 फेल हैं। तो ये एक टू द पॉइंट बात थी, एक लेस वॉल्यूम में हमने उस चीज़ को कन्वर्ट कर लिया। थर्ड इसका पॉइंट आता है हमारे पास मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स परफॉर्म्ड ऑन डेटा आफ्टर द डेटा हैज़ बीन कैप्चर्ड एंड मैन्यूपुलेटेड। यानी फर्स्ट टू स्टेप जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे देन हमने जो आउटपुट रिजल्ट है उनको कहीं ना कहीं पे मैनेज करना है। डेटा कैप्चरिंग भी होगी, डेटा मैन्यूपुलेशन भी होगी, तो थर्ड पॉइंट में हम आउटपुट रिजल्ट्स को मैनेज कर लेंगे। स्टोरेज अगर हम देखें, द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डेटा ऑन स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क फॉर फ्यूचर यूज़, लाइक द स्टूडेंट डेटा इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। कॉलेज में आपने एडमिशन लिया तो आपका डेटा जो है वो हार्ड डिस्क पे ऑनलाइन सारा उसका रिकॉर्ड जो है वो सेव कर दिया जाएगा, तो वो क्या होगी बेसिकली स्टोरेज। अब जब भी उस डेटा को एक्सेस करना है तो हम इजीली जो है वो स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर से उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। देन आती है कैलकुलेशन, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग आर फेचिंग द स्टोर्ड डेटा। जो डेटा स्टूडेंट का हमने किसी भी स्टोरेज मीडियम पे सेव कर लिया, अब उसको अगर एक्सेस करना है या उसमें से कुछ फेच करना है तो वो कैलकुलेशन के थ्रू होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, स्टूडेंट डेटा कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क एनी टाइम टू प्रिपेयर रिजल्ट कार्ड, तो कभी भी जो है उस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक जगह से डेटा को जब हम लाइक सेंडर टू रिसीवर जब डेटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को डिलीवर कर देते हैं, दैट प्रोसीजर इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल क्या है, द रिजल्ट कैन बी सेंड टू द स्टूडेंट्स वाया ईमेल। तो अगर स्टूडेंट को उनकी ईमेल एड्रेस पे रिजल्ट्स भेजे जा रहे हैं तो वो क्या हो गई कम्युनिकेशन। रिप्रोडक्शन आ गई, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग डेटा, डेटा कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इफ़ डिफरेंट यूजर्स नीड डेटा एट डिफरेंट लोकेशंस। तो डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट लोकेशन पे जब डेटा चाहिए तो हम उनको मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो भिजवा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड सी एस डिपार्टमेंट।